हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेक फिक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली हुआवे ने अनाउंस कर दिया अपना नया प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर अनाउंस कर दिया है और उसको रिलीज भी कर दिया है और उस प्रोसेसर का नाम है किरिन 990। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाई सिलिकॉन किरिन 990 के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, कैसा ये प्रोसेसर है, कैसी हमें परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर के जरिए देखने को मिलेगी और सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा इस प्रोसेसर के साथ में लॉन्च होगा। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हुआवे है इसने अपना खुद का प्रोसेसर किरिन 990 लॉन्च कर दिया है। अब ये जो प्रोसेसर है, ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर है जो कि इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम के साथ में आता है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 855 855 प्लस की बात करें तो वहाँ पे अलग से 5G मॉडेम लगाना पड़ता है, तब जाके 5G जो सर्विस है वो मोबाइल के अंदर मिलती है। लेकिन इस SoC के अंदर जो 5G मॉडेम है वो इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के अंदर ही दे दिया गया है। या फिर बात करें इसकी आर्किटेक्चर की, तो ये बना है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से, 7 नैनोमीटर प्लस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। और वहीं पे अगर बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी तो यूज़ की गई है, इसके साथ में समथिंग 10.3 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का इस प्रोसेसर के अंदर यूज़ किया गया है। और हुआवे का ये कहना है कि ये स्नैपड्रैगन 855 से 26% स्मॉलर है। वहीं पे बात करें दूसरे प्रोसेसर की, तो ये भी कहा हुआवे ने कि जो सैमसंग का प्रोसेसर है एक्जिनोस 9820, उससे 36% छोटा है। 855 से 26% और 9820 से 36% ये छोटा प्रोसेसर है। बात करें इसके कुछ फीचर्स की, फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो शुरुआत करते हैं इसके CPU से। देखिए, इसके अंदर आपको मिलते हैं पूरे 8 core CPU, जहाँ पे जो पहले की 2 core CPU है वो काम करते हैं 2.86 GHz के ऊपर, जो कि बेस्ड है ARM Cortex A76 के ऊपर। A76 जो Cortex ARM है वो आप अच्छे तरीके जानते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। वहाँ पे आगे चल के जो 2 core है वो काम करते हैं 2.36 GHz के ऊपर, और वो भी बेस्ड है A76 जो Cortex A76 है उसकी डिज़ाइन के ऊपर। बाकी के जो 4 core हैं वो काम करते हैं 1.94 GHz के ऊपर, और वो बेस्ड है Cortex A55, मतलब जो Cortex A55 है उसके ऊपर वो बेस्ड है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें GPU की, तो इसके अंदर जो GPU यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है माली G75 MC16। ये जो GPU है ये यूज़ किया गया है, मैं आपको बता दूँ इस GPU के अंदर 16 कोर का यूज़ किया गया है। आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल ये GPU होने वाला है, यानी कि गेमिंग यूज़र के लिए कोई कमी हुआवे ने नहीं छोड़ी। इसके अलावा GPU टर्बो टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है वो इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। वहाँ पे अगर बात करें NPU की, तो इसके अंदर आपको ड्यूअल NPU का सपोर्ट मिलता है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ड्यूअल NPU का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो ड्यूअल NPU है, इसके अंदर एक NPU के अंदर 2 बड़े कोर का यूज़ किया गया है, जो दूसरा NPU है उसके अंदर एक छोटे कोर का यूज़ किया गया है। बात करें इसके कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के अंदर आपको जो इंटरनेट की स्पीड है वो जा सकती है, समथिंग डाउनलोड स्पीड है वो जा सकती है 2.3 GBPS की, और जो अपलोड स्पीड है वो जा सकती है 1.25 GBPS की। शायद कभी हमें रियल लाइफ में ऐसी स्पीड देखने को मिले, लेकिन शायद हमें देखने को मिल भी सकती है। बात करें उसकी वीडियो प्रोसेसिंग वगैरह की, तो हुआवे ने इसके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं की है, सिर्फ इतना बताया है कि ये जो प्रोसेसर जिसके अंदर यूज किया जाएगा बैटर कैमरे के साथ में, तो उस मोबाइल के जरिए आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों, इसके और फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज सपोर्टेड इन्होंने दिया है वो AMMC का नहीं दिया है। यहाँ पे स्टोरेज सपोर्टेड इन्होंने दिया है UFS 3.0 का, यानी कि जो डेटा ट्रांसफ़र है वो और भी फास्ट तरीके से हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये ही था सब कुछ किरिन 990 5G चिपसेट के बारे में। ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा फ़ोन होगा जिसके अंदर ये सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। तो हुआवे ने बोला है कि जो Mate 30 सीरीज़ जो स्मार्टफोन के आएंगे उनके अंदर सबसे पहले इस प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा जो हुआवे का Mate X जो फोल्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है, उसके अंदर भी हमें किरिन 995G चिपसेट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वीडियो में पूछी उसके लिए आई एम सॉरी, उसके लिए मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो यहाँ पे बैटरी कंजप्शन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी,
बैटरी कंजप्शन के बारे में ये बताया गया है कि ये जो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया गया है, समथिंग 26% इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया परफॉर्मेंस के अंदर, और जो एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट किया गया है वो 36% एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया गया है। तो यही था सब कुछ किरियन 995G के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जान गए होंगे किरियन 995G के बारे में, क्योंकि आगे आने वाले हुआवे के स्मार्टफोन के अंदर इसका यूज किया जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।